भगवान को जो है समझने के लिए भगवान का कृपा चाहिए, और भगवान का कृपा कैसे मिलेगा हमको? शास्त्र बताते हैं और हमारे आचार्य लोग बताते हैं, केवल एक ही उपाय है, जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक भगवान का कृपा नहीं होगा। हम लोग रोज गाते हैं, यस्या प्रसाद भगवत प्रसाद हो यस्या प्रसाद न गति कुतोपी तयंस्तु वंस्तस्य शास्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम लोग जो है भगवान को और गुरु को कृपा प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु का कृपा से हमको भगवान मिलता है, भगवान का कृपा से गुरु मिलते हैं। देखिए, ब्रह्मंत ब्रमिते कोनो भाग्यवान जीव प्रसाद कृष्ण गुरु पाया भक्त लता बीज, प्रसाद कृष्ण गुरु पाया, भगवान की कृपा से हमको गुरु मिलता है। और गुरु मिलता है जन्मे जनामे गुरु जन्मे जनामे हो पिता माता पाए, पिता माता हमको जन्म जन्म मिलता है, लेकिन गुरु जो है हर जन्म में नहीं मिलेगा। सस्ता कमाओ रास्ते में मत समझना। भगवान बताते हैं ईशा अंत कथा पापम जनानम पुण्य कर्मनम त्रिद्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते मम धृतव्रत। ऐसा धृद व्रत जो है धृद भाव भगवान को सेवा करने के लिए केवल गुरु को कृपा से ही होता है, अन्यथा। प्रभुपाद जी एक बार बताया, ऑस्ट्रेलिया में एक ठाकुर जी को स्थापना किया था, बहुत सुंदर मंदिर स्थापना कर मंदिर में भगवान को स्थापना किया। बोला देखिए आप ध्यान से समय हमेशा स्मरण करो, आप क्या कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद कृष्णा, ये भगवान स्वयं है, अगर आप भूल जाएंगे आप क्या कर रहे हैं, आपके सामने कौन है और किसके लिए आप कर रहे हैं। आप गुरु को संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, भगवान को संतुष्टि के समसिद्धि हरितोषणम। अगर इसी चीज को हम लोग भूल जाते हैं और हमारा सेवा यांत्रिक हो जाता है, 4 2 3 7 4 2 3 7 घुमाते हैं पूरा, और हरे कृष्ण के ओट का व्यायाम केवल होता है, ये तो हरे कृष्ण ये अक्षर हो जाता है केवल ओट के लिए जो है, 10-20 साल के बाद फिर भी कोई फायदा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल ओट मोटा मोटा हो जाता है ज्यादा व्यायाम करने से। हरे कृष्ण हरे अक्षर होता है, अक्षर नाम हो जाता है। हमको समझना चाहिए हम लोग क्यों कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे दिया, एक भक्त अमेरिका में जब प्रभुपाद जी आया और जगन्नाथ जी को भी स्थापना किया था, जानते हैं कहानी ना, श्याम सुंदर बना दिया उसको और पूजा करने उसको विदेशी, क्या बात, विदेशी कुछ पता ही नहीं था कौन है यार। हमको भी मेरा अनुभव भी है, मैं 20 साल तक भगवान को नहीं जानता था कि मतलब ये कृष्ण है, ये लड़का कौन है, ये लड़की जैसा मैं सोचा ये लड़की है, बहुत सुंदरी लड़की है। मैं बोला ये तो, एक आदमी बोला देखो ये भगवान है, बोला हे ये तो सुंदरी लड़की है, दिखने में लड़की जैसा, बहुत सुंदर है, मस्तज भी नहीं है कुछ नहीं है, लड़की है। बोला नहीं 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 देखिए ये भगवान लड़की जैसा नहीं देख रहे हैं, ये लड़की भगवान जैसा देख रहे हैं, क्योंकि यत यत विभूतिमत तत्वम श्रीमत उर्जितम एव, संपूर्ण सुंदरता इस संसार का केवल भगवान का सुंदरता से एक बूंद भी नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान ये स्रोत, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तति, भगवान स्रोत है पूरा सृष्टि का, लेकिन इसी चीज को कोई नहीं जानते हैं, अवजनन्ति मम। तो भगवान को एक बार शिला प्रभुपाद जी पूछा, संपूर्ण शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? तो सारे सन्यासी लोग बोला, शिष्य बोला सर्वधर्मान परित्यजामेकम शरणम रजा अतः श्री कृष्ण मदीन भवित ग्रहिमेन्द्रिय इत्यादि, बहुत सारे श्लोक, मन मन भवामक भक्तो मई आसक्ति मय पढ़ता, बहुत सारे श्लोक बता दिया उसको। प्रभुपाद बोला ये जरूरी श्लोक है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कौन सा सबसे महत्वपूर्ण? प्रभुपाद जी बोला यस्यादिवे तथा गुरौ तस्यैत कथिना ह्यर्थः प्रकशन्ति महात्मनः। जिसके पास संपूर्ण विश्वास है गुरु के प्रति और कृष्ण जी के प्रति, ऐसा महात्मा लोगों के लिए हृदय से संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, जो आपको जानना जरूरत है वो प्रकट हो जाएगा आपको। प्रभुपाद सेड इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग, मोर इम्पोर्टेंट टू नो समबडी। आई नो कृष्ण, कृष्ण नोज एवरीथिंग। मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान सब कुछ जानते हैं। जो मेरे को जरूरत है मैं पूछता हूँ, वो देते हैं मेरे को। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे और एक पत्रकार पूछा, स्वामी जी आप इतना पुस्तक लिखा, इतने छोटे समय में जो है इतना पुस्तक, 80 स्कंद लिखा, एक लिखते कैसे आप? ऐसा कलम लगाने से तो लिखना थोड़ी होता है ना, वो भी रात में, नींद नहीं आते आपको क्या? उस समय सोना चाहिए। शिवा प्रभुपाद जी 12 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 6 बजे तक लिखता था पुस्तक प्रत्येक दिन।
एक दिन भी नहीं था जो छुट्टी हो गया, प्रतिदिन एवं प्रभुपाद जी का सेवा था। एक लिखते कैसे आप? तो प्रभुपाद जी बोला, कृष्ण टेलिंग मी एंड आई एम राइटिंग। भगवान कृष्ण मेरे को बोल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। तो पत्रकार समय कैसे सॉरी, तो रमेश्वरम स्वामी और कोई उनका सेक्रेटरी था, मतलब स्वामी जी बोलना चाहते हैं, भगवान उनको थोड़ा सा प्रार्थना देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसको उत्साह देते हैं, वो थोड़ा सा अपना विचार करके लिखते हैं। प्रभुपाद बोला वो शिष्य को, नहीं, कृष्ण डायरेक्ट टेलिंग मी एंड आई एम राइटिंग। समझा? कुछ गलत है, कुछ गलत समझ गया, अपना तात्पर्य मत देना, जो मैं बोल रहा हूं वही है, कृष्ण बोल रहा है, मैं लिख रहा हूं बस। वो भी उनका सेक्रेटरी भी चकित पड़ गया, अच्छा बिल्कुल कृष्ण डायरेक्ट टेलिंग मी।